आप देख रहे हैं टी न्यूज उत्तर प्रदेश, द नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। गोरखपुर भव्य रूप से सजे जड़ शंकर के प्रकाश पर्व का शुभारंभ सुबह 5 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश से हुआ। गुरुवाणी कीर्तन तथा जटा शंकर के हेड रागी भाई मनप्रीत सिंह खालसा का जत्था गुरुद्वारा गुरु नानक सत्संग सभा मोहद्दीपुर के ग्रंथी भाई रसपाल सिंह, छत्तीसगढ़ से आए रागी भाई भूपेंद्र सिंह ने अपने मधुर कंठ से गुरु नानक की वाणी को सुनाकर श्रद्धालुओं को द्रवित किए रखा। पंजाब कैथल से आए प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी लखवींद्र सिंह ने गुरु नानक के संपूर्ण जीवन वृतांत को उपस्थित जनमानस के सामने रखा। एकश सिंह ने गुरु जी के जीवन गाथा को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। सुबह 11 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक गुरु का लंगर प्रसाद लगातार वितरित होता रहा। गुरुद्वारा जटा शंकर समिति के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने सभी श्रद्धालु, सेवादार, अतिथिगण, सहयोगी, जनप्रतिनिधिगण, जिला पार्षद एवं पुलिस प्रशासन के प्रति सहयोग के लिए आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के सदस्य जनेन सिंह नीटू कर रहे थे। इस अवसर पर मैनेजर राजेंद्र सिंह, अशोक मल्होरा, रविंद्र पाल सिंह, चरणप्रीत सिंह मोटू, धर्मपाल सिंह राजू, डॉक्टर दीपक सिंह, गगन सहगल, कुलदीप सिंह नीलू, जोगिंदर सिंह, प्रोफेसर गुरमीत सिंह, हरप्रीत सिंह सहानी, जसपाल सिंह, जगजीत सिंह, अभिजीत सिंह हनी, एडवोकेट अरविंद्र सिंह, मंजीत सिंह भाटिया, राजेंद्र सिंह चड्ढा सहित भारी संख्या में स्त्री पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद राय, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्य पांडे, प्रदेश कर समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, ब्रजेश मणिमिश्र, मंडल अध्यक्ष सिद्धांत घोष, पार्षद हठीलाल बबलू गुप्ता, सरिस्ता सिंह, पूजा मिश्रा, डॉक्टर सौरभ पांडे, प्रवीण श्रीवास्तव, संजय वर्मा, इंजीनियर मिन्नतुला, अमरनाथ जायसवाल, डॉक्टर सरन सरन अग्रवाल सहित तमाम अन्य लोग भी शामिल रहे। गुरुद्वारा समिति की तरफ से सभी आगंतुकों को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। नमस्ते, मेरा नाम अदित्य है। आज श्री गुरु नानक जयंती है। आप उस अवसर पर नगरवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व पर आप सबको लख लख बधाई देता हूँ। श्री गुरु नानक महाराज का प्रकाश पर्व आज पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोरखपुर में ये पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिख सभा जटा शंकर गोरखपुर में मनाया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी की मुख्य शिक्षाएं थी, नाम जपो, कीर्त करो, वंड सेवो। नाम जपने का मतलब उनका ये था कि आप हर समय प्रभु का नाम सिमलते रहिए, किसी विशेष प्रभु का नाम नहीं है, क्योंकि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। अर्थात पूरे विश्व की उत्पत्ति एक प्रकाश पुंज से हुई है। हम जो परमात्मा है वो हम सबके पिता हैं, हम उन्हीं की संतानें हैं, तो हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, तो हम सब एक समान रहना चाहिए और हमको हमेशा नाम लेना चाहिए, चाहे वो राम का नाम ले, चाहे कृष्ण का नाम ले, चाहे वो अल्लाह का नाम ले, चाहे वाहेगुरु का नाम ले, लेकिन नाम जपना है हमको। और फिर उन्होंने कहा कीर्त करो, मतलब आप अपना काम जो है वो बहुत ईमानदारी से करिए, उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ठगी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई पाप का काम नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा वंड छको। श्री गुरु नानक देव जी का महाराज जी का बड़ा बड़ा सिद्धांत है, वंड छको मतलब जो आप कमाई करते हो उसका कम से कम 10% जो है वो समाज के सामाजिक हितों में खर्च कीजिए, क्योंकि सिर्फ आप अपना नहीं, आप अपने कमा खा रहे हैं, आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है तो बहुत गलत बात है, तो आप सबको बांट के खाइए, ये बहुत बड़ा सिद्धांत था। उन्होंने अपने गृह जीवन में खुद खेती की है, नौकरी की है, मतलब भीख नहीं मांगा, उन्होंने किसी के दान पुण्य पर अपना जीवन यापन नहीं किया, उन्होंने पूरे गृह जीवन में जो है अपने कर्म से जो है अपना गृह जीवन व्यतीत किया है। फिर उनका दूसरा सिद्धांत है सेवा करने के लिए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने सेवा करने को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि सेवा करते करते आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवाणी कहती है सेवा करत होए नेकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी। इसी प्रकार उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बहुत काम किया है। उन्होंने कहा है सो क्यों मंदा आखिर जित जम्मे राजान। उस समय गुरु नानक देव जी के समय
काल में उस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय हो चुकी थी। स्त्रियों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा, सो क्यों मंदा कि जब मैं राजान, अर्थात जिस स्त्री ने अवतार पुरुषों राजाओं को जन्म दिया है उसको मंदा क्यों कि उसका स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। इसी प्रकार श्री गुरु नानक देव जी ने सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए लंगर प्रथा शुरू की। उन्होंने 20 रुपए से जो लंगर चलाया है वो आज तक पूरी दुनिया में चल रहा है। आज भी आप देखते हैं कि जगह जगह सिख समाज अपने हर अवसर पर लंगर चलाता है, यहाँ तक कि गुरुद्वारे में भी लंगर चलता रहता है, कोई भी गुरुद्वारे में आकर भूखा नहीं रह सकता है। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को इस समय आवश्यकता है कि पूरे समाज को अपने अंदर आत्मसत करने के लिए। श्री गुरु नानक देव जी को सिखों का केवल गुरु कहना एक बहुत गलत बात होगी, मूर्खतापूर्ण बात होगी। वो पूरे विश्व के गुरु हैं, उनकी शिक्षाएं हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे तो एक सच्चे देशभक्त बन सकेंगे और देश की सेवा करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का आज पूरे विश्व को इस समय बहुत आवश्यकता है कि उन पर चला जाए, कि उनकी शिक्षाओं पर चल के हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, सामाजिक एकता होगी, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, सब मनुष्य होंगे, सब आपस में भाई भाई होंगे। अगर उनके सिद्धांतों पर हम आत्मसत कर लें तो देश का भविष्य, हमारा अपना भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा। मैं आपके माध्यम से सबसे कहता हूँ कि आज आइए, गुरु नानक देव की शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए। गुरु नानक देव ने कहा, कोई बोले राम राम, कोई बोले खुदाए, कोई सेवे गुस्साइया, कोई अलाहे, तो हर प्रभु का कोई भी नाम लीजिए, हम सबका ईश्वर एक ही है। इस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए, हम सब मानव है और एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। जहाँ पर हम सेवा कर सके, तन से मन से धन से सेवा की जा सकती है। सेवा का कोई मूल्य नहीं होता है, सेवा अपार होती है। आप अपना रक्तदान करके भी सेवा कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरह से आप सेवा कीजिए। मैं जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर, धन्यवाद। आज यहाँ हम गुरुद्वारा जटाशंकर में चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गुरु नानक देव जी महाराज दुनिया में अवतरित हुए थे, यानी कि उनका जन्म हुआ था, और ये उनका जन्म दिवस उनका, उसको हम लोग प्रकाश पर्व कहते हैं। इस प्रकाश पर्व को हम लोग हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ इस स्थान पर मनाते हैं, जहाँ हजारों लोग सुबह से रात तक यहाँ के गुरु के आगे माथा टेकते हैं, प्रकाश पर्व की बधाई देते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आज ये प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का 555वां है। आज गुरु नानक साहब अगर होते तो उनकी उम्र 555 साल हो जाती। इतने साल से उस गुरु की याद हम मनाते हैं, और ये आज ही नहीं मना रहे हैं, पिछले 20 दिन से हम रोज कोई ना कोई प्रोग्राम करके गुरु नानक साहब का ये उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे थे। आज वो मेन दिन है जब उनका जन्मदिन है, तो आज के दिन हम लोग ये इतना बड़ा उत्सव मनाकर पूरे गोरखपुर को, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी कितने महान थे, उनके उपदेश क्या थे हमारे लिए, वो किस लिए दुनिया में आए थे। उनका दुनिया में आना संसार की भलाई के लिए था, इंसान की भलाई के लिए था, इंसान को धर्म से जोड़ने के लिए था। आज ऐसे सतगुरु का उत्सव मनाते हुए गुरुद्वारा जटाशंकर में हम लोग को बड़े गर्व और खुशी महसूस हो रही है। ईश्वर करे, गुरु करे, हम लोग हर साल इसी तरह सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर गुरु घर की खुशियाँ, गुरु की खुशियाँ मनाते रहें, इसी तरह सेवा करते रहें, भक्ति करते रहें, अपने जीवन को धन बनाएं, अपने समाज को अच्छा बनाएं, अपने गोरखपुर का नाम रोशन करें और गुरु के उपदेशों पर चलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें, यही इसका मकसद है। मैं आज के दिन पूरे शहरवासियों को अपने गुरु जी की तरफ से, अपने समाज की तरफ से गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई देता हूं और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं जगनैन सिंह नीटू, सदस्य उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी।